खैर सा ओ जमाल जो खटी आयो खैर सा ओ जमाल जो खटी आयो खैर सा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हरफन मौला। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम मलिक। सबसे पहले आप हरफन मौला YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और कमेंट्स करते रहें, हमें याद करते रहें। हम आपके लिए व्लॉग बनाते रहेंगे। थोड़े से अरसे में आपने इतने सारे प्यार और मोहब्बतें दी हमें, ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हरफन मौला। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम मलिक। आज मैं और गाड़ी सकर जा रहे हैं, इंशाल्लाह सकर शहर का आपको विजिट कराएंगे। आप एसी में मुझे सर्दी लग रही है, हमें जैकेट पहन के आता, अभी लगता है जैसा कि सर्दी खत्म हुआ नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, बीए भी तरीके से सुकून से, इतनी तो जंगल ही जंगल है, बड़ा सुकून है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच गए सकर सिटी में। ये सिटी के कुछ मनाजर आपको दिखाते चले। हमारे साथ आज सफर का हमारा साथी गाड़ी खान। गाड़ी खान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप सुना भाई, कैसे हो? ठीक हो? ड्राट शरार लगाओ कोई ड्राट शरार नहीं, इसका बता दो। ये सकर शहर में बहुत सारे लोग मेरा वेलकम करते हैं ऐसे। असल में मेरा मोबाइल गुम हो गया, नहीं तो वरना मुझसे मिलते बहुत सारा मेरे अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। हाँ, मजबूरी है, मेरा मोबाइल गुम हो गया है। बड़ा मजा आ रहा है सक्कर, बहुत प्यारा सा शहर है, खूबसूरत शहर है, दिल को सकून आ रहा है इधर घूमने में। ये सिंध का सकाफती शहर है, इसमें बहुत सारी मोहब्बतें जुटी हुई है सिंध के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए, खासतौर सिंधियों के लिए। अल्लाह तआला अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, फाइनली हम सकर सिटी में पहुंच गए हैं अपने दोस्त रावी के साथ। तो आपको आज सकर के नज़ारे दिखाते हैं। सकर कैसे है? वेलकम टू सकर मोड दिखाएं भाई। सही है ना? ओके, तो अभी चलते हैं, फिर कुछ देर के बाद कुछ और मकामात पे, कुछ और पॉइंट पे, जहाँ पे ड्राड़ी खान हमें अपना दादा वाला पुल जो इसने बनवाया था वो सकर आईबी का गाड़ी दिखाएं भाई। सकर आईबी का गाड़ी दिखाएं। मतलब कुछ तरक्की हो रहा है अभी हमारे मुल्क में? बिल्कुल हो रहा है। किसने बोला कि सिंध में तरक्की नहीं है? सिंध में रक्षा देखो, ये बसें देखो, ये नाम देखो, माशाल्लाह बहुत सारी तरक्की हो रही है। आप जैसे बंदे जो होंगे गाड़ी साहब, हां हम बहुत तरक्की होगा सिंध में इंशाल्लाह। अरे हमारे कारनामे कौन बोलता है कि सिंध में? चलो चाबी वाला पुल आज लाजमी दिखाना हमें, इंशाल्लाह चलते हैं सकर वाला पुल दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। आज भी पक्का लेगा, चेहरा को बेच देगा। चुम्मी दे चुम्मी। मैंने कितना कितना गाड़ी गाड़ी को दिखाओ। गाड़ी कुत्ता क्या करे, इसने पहचान लिया गाड़ी का, वेलकम करने आया सकर में। अच्छा, ये कुत्ते को पता है गाड़ी नंबर वन कश्मीर से आया सकर घूमने के लिए। ये सकर का कुत्ता है, इसको अब उठा के गाड़ी में लेके जाऊंगा। इसको लगता है खारिश की बीमारी है, लेट रहा है बहुत। ये तुम्हारा यार है डाड़ी? नहीं, ये मेरा नहीं है, तेरा है। तेरा यार है, इसका चुम्मी दे।
सकल का लंबी मेरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं कैमरा में मेरा आपको दिखाए। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं कितना लगा के आप लोगों को लेके भूल गया था, आपको मैं अपना पुल दिखाना है, दादा ने बनाया था। दादा वाला पुल दिखाओ ना, ऐसे तुम्हारा हाजिर करूंगा किसी ने नहीं किया होगा। नहीं नहीं नहीं, जो पुल बनाया बड़ा कमाल है। निर्माण का व्यू है, ये दुनिया का लगता है, यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा पीपुल्स बस है, ये पीपुल्स बस पाकिस्तान का ये अच्छा काम है, जबरदस्त। चढ़े दी चलो, हमें पुल तो दिखाओ दादे वाला, चलते हैं चलो देखिए पुल तुम्हारा देखिए। ₹45,20,000 पाकिस्तानी रुपया तो नहीं, पता नहीं उस दौर में क्या वो अंग्रेज का अपना था, जो ब्रिटिश हुकूमत का सिक्का था उसी का लागत है इसमें सारा। बड़ी बात है, आजकल तो एक गाड़ी भी नहीं मिलती 45,00,000। ये भाई नहीं सुधरने वाला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सिंध का तारीखी मकाम है। इस पुल के बहुत सारे वाकयात हैं, एक जबरदस्त यहाँ इस तरफ सखर है, इस तरफ रोड़ी है, ये दोनों शहरों को जुड़वा शहरों को मिलाता है। और ये सामने मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए सदरुद्दीन शाह बादशाह का ये मज़ार है, ये अल्लाह के वली जो बिल्कुल दरिया के सेंटर बीच में था। उस दौर में तो पानी बहुत ज़्यादा था, अभी पानी कुछ कम है। इस तरफ दिखाएं आप, ये दरिया है, ये दरिया के किनारे हैं, तो
यहाँ पे दरिया पार जाता है। उसके साथ साथ एक बड़ी बात, ये दो जुड़वा शहरों को आपस में मिलाता है, खास करके शक्कर ये रोड़ी, ये शक्कर ये रोड़ी। पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये शक्कर के है, इस तरफ बिल्डिंग नजर आ रही है, ये रोड़ी के। जैसे जैसे आप मतलब के पिंडी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद है, इसी तरीके से स्कूल की वजह से और स्पेशली जो किरदार है सिंधी शीदी जवालों का, उसी किरदार की वजह से यह यादगार पुल है। और वैसे भी ये तमाम खूबसूरत है। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो पसंद आया हो। अभी तो गाड़ी हम पहले लेके गया, अभी गाड़ी बुक किए, उधर में दादे वाला पुल ये नहीं है, वो दूसरा पुल। मुझे पता है यार, अभी खाना भी नहीं खिलाएगा, भूख भी बहुत लगा है दोस्तों को भी। काम स्टार्ट किया जब ये हैंडल हुआ तो मतलब पूरे सिंध में, हिंद सिंध में ये ऐलान हुआ भाई एक जमालू नाम कैदी है, शीदी है, वो कह रहा है मैं ट्रेन क्रॉस करूंगा और कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक था उस साइड में है, जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के वीडियो में, उस साइड में वहाँ पे हम जाएंगे, पुल पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक था उस साइड में है, जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के वीडियो में, उस साइड में वहाँ पे हम जाएंगे, पुल पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो जब रेलवे ट्रैक उस पर बिछ गया, एक काम बन गया दो शहरों को मिलाने के लिए और आगे पंजाब की तरफ जाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, मुश्किल ये पेश आ रहा था यहाँ से ट्रेन क्रॉस करने का मसला था। और जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर वो कौन बने, हर कोई डर रहा था इसकी ट्रेन या ये पुल गिर जाए, हम दरिया में डूब के मर ना जाए। तो अंग्रेज सरकार ने उस वक्त दौर में ऐलान किया, अपने राड़ी साहब जेल में पाया गया, जेलों में, कि भाई जो बंदा इस ट्रेन को यहाँ से क्रॉस करेगा इस पुल से, तो उसकी जो भी सजा है, चाहे मौत की सजा है, उम्र कैद की सजा है, जो जुर्माने सब माफ़ कर दिए जाएंगे, उसको इनाम कराम से भी नवाजा जाएगा। तो उस दौर में एक कैदी था जमालो नाम का, शीदी। क्या बना जमालो ने कहा कि भाई ठीक है मर्द में वैसे जमालो नारा लगा हुआ है। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, उसमें आता हूँ। अच्छा। मजे की बात है और ये गौर से सुनो, ये व्यूअर के लिए भी एक दिलचस्प बात है। जी। जब वो जमालो कैदी ने ये कहा कि भाई मैं इसको निकालूंगा, बिलाशक मैं मर जाऊँ, कोई बात नहीं है, तो उसको उस डेट फिक्स हुआ, इस डेट पे पुल से ये ट्रेन को क्रॉस करना है। तो जमालो उस दिन उसको पहले ट्रेनिंग दिया गया गाड़ी चलाने का, जैसे होता है कुछ दिन महीने पहले। जब फिक्स दिन में आए तो उस पूरे इलाके बस गिरदाई के लोग जमा हुए, मतलब पूरे सिंध में, हिंद सिंध में ये ऐलान हुआ भाई एक जमालू नाम कैदी है, शीदी है, वो कह रहा है मैं ट्रेन क्रॉस करूंगा और कोई नहीं कर रहा, हर कोई डर रहा है। अच्छा। तो उसके फैमिली वाले भी आए, उसके बीवी भी आई थी, तो सारे पहले तो उनके पूरे मायूसी का माहौल था पूरे पिंडाल में, लोगों में, कि ये ट्रेन गिर जाएगा, ये लोग डूब जाएंगे या जमालू डूब जाएगा। जी। ठीक है ना, जब जमालू ने अल्लाह का नाम लेके जमालू शीदी, उसके बाल जो थे ना ऐसे, जो नहीं फोल्ड होते रिंग की टाइप, ऐसे ऐसे बेहतरीन खूबसूरत बाल थे उसके जमालू के, तो वो बिस्मिल्लाह करके उस पर बैठ गया, गाड़ी उसने चलाई अल्लाह के नाम करके, वहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे लेके आए उधर लगा सकते हैं। अच्छा। तो ये सारे लोग यहाँ जमा थे, तो उसकी बीवी ने ये खुशी से सहरा गाया है, लोग जो गीत, जो सिद्ध का लोकगीत मशहूर है, खटी आयो खैर सा हो जमालो, गुंडीदार तुझा वारड़े हो जमालो, मुझो खटी आयो खैर सा हो जमालो, जो खटी आयो खैर सा हो जमालो, मुझो खटी आयो खैर सा हो जमालो, जा गुंडीदार वारड़े हो जमालो, जो मुर्छ तो कंधार रे सुभान अल्लाह। ऐसे उस दिन से ये लोग जो गीत है ना ये मशहूर हो गया, तो जमालो को आजाद किया गया, उसको इनाम कराम से नवाजा गया। ये इसका बड़ा खूबसूरत यही है, उसके साथ ये दो जुड़वा शहरों को मिलाता है, जैसे पिंडी इस्लामाबाद है। जी। ठीक है ना, इस तरीके से रोड़ी और ये शक्कर, इस तरफ रोड़ी है। जी। इस तरफ शक्कर है। अभी देखिए कैसा खूबसूरत नज़ारा, एक अयूबिया है, अपने अयूबा है अपने हिसाब से पाकिस्तान में। जी। एक आइलैंड है दरिया के बीच में, इस तरफ रोड़ी है, इस तरफ शक्कर है, ये लोहे वाला है। क्यों
जल्दी चा माने का Thank you.